तो दोस्तों देखते हैं कैसे किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आपको बस कुछ नहीं करना है, इसे 4 से डिवाइड करना है। 4 1 4, 4 2 8 0, 4 2 8 1 9 18, 4 4 16। अब आपका रिमाइंडर क्या बचा है? दो बचा है, तो आप पीछे क्या लगा देंगे? 50 लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये हो जाएगा 4 4 16, 3 बचा 31 हो गया, 4 7 28, फिर से कितना बचा? 4 7 31, 3 बचा 35 हो गया, तो 4 8 32, 3 बचा 38 हो गया, 4 9 36, 2 बचा 24 हो गया, 4 6 24, और आपका कुछ नहीं बचा, इसलिए पीछे क्या लगाएंगे? 00। अब मैंने आपके रिमाइंडर जो है वो 3 तक लिखे हैं, वो 4 5 6 क्यों नहीं हो सकता? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर पूछें, और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और कैसी लगी ये ट्रिक। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।